माय चैनल, मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर आज हम करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूनिट थर्ड के मेरे हैंडमेड नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था लाइबिलिटी टू पे जीएसटी या लाइबल टू पे जीएसटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो मेरी सीरीज़ है कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट सेकंड, वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट की सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको 1 अक्टूबर को उस सीरीज़ फिर वो जो सीरीज़ होगी वो हम स्टार्ट कर देंगे जो आप बताओगे, नहीं तो फिर मुझे अपने अकॉर्डिंग कोई सीरीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी आज का टॉपिक है हमारा। जीएसटी इज़ अ रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड कंजप्शन टैक्स। इन सिंपल वर्ड्स मीन्स टैक्स ऑन द सप्लाई शुड एक्वायर टू द स्टेट इन विच गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम। इसके अंदर क्या, सिंपल वर्ड्स के अंदर जहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हो, जहाँ पे वो सप्लाई एक्वायर हो रही है जिस स्टेट के अंदर, वहीं पे आप जहाँ पे आपने गुड्स कंज्यूम किए हैं वहीं पे टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। टैक्स ऑन सप्लाई आपके ऊपर लगाया जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेशन द प्लेस वेयर द टैक्स शुड बी रीच। जहाँ आपका टैक्स रीच होगा, हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स टाइप ऑफ टैक्स टू बी लिव्ड। ये हेल्प करता है कि डिटरमाइन करने में कि कौन से टाइप का टैक्स है जो उसके ऊपर लगाया जाएगा। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारे नेचर ऑफ सप्लाई को बताता है। हमारा पर्पस ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई, पर्पस क्या होंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के, हेल्प इन डिटरमिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ द लिव्ड। जहाँ पे आपने लिव किया है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। इन केस ऑफ क्रॉस बोर्डर ट्रांजेक्शंस प्लेस ऑफ सप्लाई हेल्प इन डिटरमिनेशन वेयर टैक्स इज टू बी लिव्ड ऑन द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। वो हमें बताता है कि टैक्स कितना लगा है, कितनी जो हमारी ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के ऊपर बताता है। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ सप्लाई। हमारी सप्लाई का कैसा नेचर है उसको बताने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई। इन द केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई हेल्प टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इन इंटर स्टेट और सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। जो हमारी इंटर स्टेट सप्लाई या सप्लाई हो रही है उसको बताने के लिए वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी ट्रांजेक्शन कैसे हुई, किस तरीके से हुई है। उसके बाद प्रोविजन रिलेटेड टू विद प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर IGST एक्ट। IGST एक्ट के अंदर कौन से प्रोविजंस हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर। इन केस ऑफ गुड्स की केस के अंदर 10 और 11 है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। हमने इंपोर्ट किए हैं बाहर से या फिर एक्सपोर्ट किए हैं इंडिया से, उनके उस केस के अंदर सेक्शन 10 आएगा। इनको हम डिटेल के अंदर करेंगे। सेक्शन 11 है, उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। एंड इन केस ऑफ सर्विसेज के केस के अंदर सेक्शन 12 एंड 13 आएगा। इसके अंदर क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशंस ऑफ सप्लाईज एंड रिसिपेंट्स इज इंडिया। जो रिसिपेंट है वो इंडिया के हैं, लोकेशन जो हमारी सप्लाई की वो इंडिया है। इसके बाद क्या है, सेक्शन 13 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन इज सप्लाईज और लोकेशन इज रिसिपेंट इन आउटसाइड इंडिया। जो हमारी लोकेशन है वो आउटसाइड इंडिया है, तो सेक्शन 13 आएगा। सेक्शन है ये बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ सेक्शन 10 स्टडी करेंगे। अगला जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, सेक्शन 11 एंड उससे नेक्स्ट के अंदर सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। बहुत बड़े बड़े सेक्शन है ये, मैं आपको करवाती हूँ। सबसे पहले सेक्शन 10, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। सेक्शन 10 के अंदर आएगा, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड इनटू एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शैल बी अंडर। इसके अंदर क्या, सेक्शन 10 के अंदर इन केस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, सेक्शन 10(1)(a) के अंदर आएगा। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन डायरेक्शंस ऑफ द थर्ड पर्सन, सेक्शन 10(1)(b) के अंदर आएगा। इन केस ऑफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, सेक्शन 10(1)(c) के अंदर आएगा। इन केस ऑफ गुड्स असेंबल्स और इंस्टॉल्ड एट साइट, सेक्शन 10(1)(d) के अंदर आएगा। एंड इन केस ऑफ गुड्स आर सप्लाइड ऑन द बोर्ड ऑफ कन्वेंशन, सेक्शन 10(e) के अंदर आएगा। ये सारे सेक्शंस हैं, ये भी हम अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले 10 ही पूरा स्टडी करेंगे हम इसके अंदर। तो फर्स्ट है हमारा, सबसे पहले इन केस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर वेदर बाय द सप्लायर्स और द रिसिपेंट्स और बाय एनी अदर पर्सन द सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच
गुड्स शैल बी लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मोमेंट ऑफ गुड्स ट्रीटमेंट्स फॉर डिलीवरी ऑफ द रिसिपेंट। इन केस ऑफ सप्लाई इन वोस मोमेंट ऑफ गुड्स के अंदर कहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी क्या होगी, लोकेशन ऑफ द, जो हमारी लोकेशन है ऑफ द गुड्स ऑफ द टाइम जिस टाइम पे है, एट विच द मोमेंट ऑफ गुड्स ट्रीटमेंट जब हम ट्रीट कर रहे हैं उसको, फॉर डिलीवरी एंड फॉर टू द रिसिपेंट्स, डिलीवरी टू द रिसिपेंट्स। इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है वेदर सप्लायर्स रिसिपेंट्स एंड एनी अदर पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंगली, जो लोकेशन हमारी गुड्स एंड सर्विस की उसी टाइम पर उसी चीज़ की मूवमेंट हो रही है और डिलीवरी करवाई जा रही है तो वो इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा केस है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन डायरेक्शन दे रहा है वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर्स टू रिसिपेंट्स और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्टर ऑफ अ थर्ड पर्सन वेयर एक्टिंग एज ए एजेंट, जो एजेंट का काम करता है, ये नहीं होता जो ब्रोकर जिसको हम बोल देते हैं कई बार, जो थर्ड पर्सन मतलब हमें लिंक करवाता है दूसरा जो थर्ड पर्सन होता है वो, एंड वेदर एक्टिंग एज ए एजेंट बिफोर ऑन ड्यूरिंग मूवमेंट्स ऑफ गुड्स either by the way of transfers of documents of titles to goods or otherwise it shall be deemed that the said third person has received the goods and the place of supply of such goods shall be principal place of business of such person। इसके अंदर क्या दिया गया है, in case of supply of goods on the direction of third person place of supply क्या होगी, principal place of business of third person के regardingly हम निकालेंगे, ये principal place of business of such person के accordingly हमारी निकाली जाती है। in case of supply अगर हम goods कर रहे हैं direction of third person, कोई third person हमें direct कर रहा है। इसके बाद in case of supply goods नॉट इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, इसके अंदर सॉरी इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, हम इन्वॉल्व नहीं करें मूवमेंट ऑफ गुड, इसके अंदर क्या आएगा, लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी टू द रिसिपेंट वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिस टाइम पे सप्लाई जो वो इन्वॉल्व नहीं कर रही है मूवमेंट ऑफ गुड्स का, वेदर द सप्लाईज ऑन द रिसिपेंट्स द सप्लाई ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द रिसिपेंट। इसके अंदर क्या देखो, इन द केस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व डज नॉट मूवमेंट ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ सच गुड्स, जो लोकेशन है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ रिसिपेंट उसी पे हम वो ही हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई है। इसके बाद फोर्थ केस हमारा कौन सा है, फोर्थ केस हमारा कौन सा है, इन केस ऑफ गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट, जो गुड्स असेंबल है और इंस्टॉल किए गए हैं जहाँ पे हमने मैन्युफैक्चर किए हैं, जो साइट है हमारी वहीं पे, वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड इन एंड इंस्टॉल्ड एट अ साइट द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलमेंट और असेंबल, जहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी जगह होगी, जहाँ पे हमने वो गुड्स असेंबल किए हैं जहाँ पे इंस्टॉल किए वही हमारी जगह होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो इन द केस ऑफ गुड्स आर असेंबल्स और इंस्टॉल्ड एट अ साइट, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी हमारी प्लेस ऑफ सच इंस्टॉल्ड और असेंबल, जहाँ पे हमने इंस्टॉल किए हैं और असेंबल किए हैं। इसके बाद फिफ्थ केस हमारा कौन सा होगा, इन केस गुड्स आर सप्लाइड ऑन द बोर्ड ऑफ कन्वेंशंस, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन द बोर्ड ऑफ अ कन्वेंशन इंक्लूडिंग व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट्स एंड ट्रेन एंड मोटर व्हीकल्स द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन एट द विच सच गुड्स आर टेकन ऑन द बोर्ड, जहाँ पे आपने वो गुड्स लिए हैं जिस लोकेशन पे वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इन केस ऑफ गुड्स एंड सप्लायर्स ऑन द बोर्ड ऑफ कन्वेंशन प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी क्या होगी, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जो वहाँ पे हमने वो गुड्स लिए हैं वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। लास्ट एंड फाइनल केस कौन सा है, हमारा लास्ट सेक्शन कौन सा है, व्हेन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द सेक्शन 10(1) एंड सेक्शन 10(2), मतलब जो हमारी सेक्शन 10(1) के अंदर डिटरमाइन नहीं किया गया है, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई बी डिटरमाइन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वो फिर हमारी जो सेक्शन 11 है उसके अकॉर्डिंगली दिया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड इंटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इम्पोर्ट किए हैं एक्सपोर्ट किए हैं, वो सेक्शन 11 के अंदर आएगा, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर क्या है कि आपको पूरी चीज़ें मतलब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं आप कुछ भी लिख के आ सकते हो, आपको प्रोविजंस वगैरह इसके पर्पस वगैरह सारी चीज़ें प्लेस ऑफ सप्लाई हर एक जो भी हम पढ़ रहे हैं जीएसटी के अंदर वो आपको पूरी चीज़ें याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप कुछ भी थ्योरी के अंदर कुछ भी लिख के आ सकते हो, ऐसा नहीं है। आज की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी एंड पर्पस ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड प्रोविजंस ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई, सेक्शन 10 ही हमने आज के वीडियो के अंदर स्टडी किया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।